माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी काफी लंबे समय से गिरफ्तारी के डर से फरार है। पुलिस को अब तक आसपा के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला है, लेकिन अब पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, चुनौती बन गई है आसपा अंसारी पुलिस के लिए, जिसके बाद पुलिस अब आसपा को गिरफ्तार करने के लिए नया पैतरा आजमा रही है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आसपा अंसारी पुलिस की पकड़ से अब भी दूर है और 50,000 रुपए की इनामी आसपा पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है। तीनों जिलों की पुलिस की टीमें लगातार हाथ पैर मार रही हैं, लेकिन सफलता अब तक हाथ नहीं लग पाई है, इसलिए पुलिस ने फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को मोहम्मदाबाद स्थित फाटक पर पुलिस पहुंची, जहां उसके घर में धारा 82 का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। डुगडुगी बजाकर चेतावनी दे दी है कि हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो आसपा अंसारी की कुर्की की कार्रवाई की जो है तैयारियां वो होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर पुलिस ने अब ये पैतरा आजमाया है, जिससे आसपा अगर आसपास हो तो वो आ जाए। आपको बता दें, गाजीपुर के माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अंसारी परिवार के होटल को बंद करा दिया गया है, तो मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी रहे गोरा राय की करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क कर दी है। साथ ही एक ही दिन में पुलिस प्रशासन ने तीसरी कार्रवाई करते हुए कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी की पत्नी आसपा अंसारी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। तीन जिलों की पुलिस आसपा अंसारी की तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने मीडिया के हवाले से कहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आसपा अंसारी के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमों के मामले में न्यायालय के आदेश पर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया गया है। आसपा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। तो आफसा अंसारी पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, और अब आसपा अगर नहीं मिल पाई तो उसकी संपत्ति को कुर्क करके बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।